अगर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं तो बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ बच्चों ने वो करके भी दिखाया। बहुत थोड़े से समय में ये बच्चे, इन्होंने एक कार बनाई, मैं आपको बताता हूँ, और उस कार के लिए एक इस तरह का पाथ बनाया कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट हर्डल्स थे। हमें अपना कैरियर किधर बनाना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ऑलराइट, सो करंटली जो हम वर्क कर रहे हैं वो हम ड्रोन के ऊपर अभी शुरू करने वाले हैं, और कुछ बच्चों ने ये ड्रोन बनाना उड़ाना सीख भी लिया। सो इसमें हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखाएंगे बच्चों को, यहाँ हम सिखाएंगे हाउ टू इनोवेट, एंड उसके बाद हम उसको सेल आउट कैसे कर सकते हैं। मतलब इसके साथ आप टेक्नोलॉजी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ रहे हैं, ताकि बच्चा बड़ा होके या जब तक स्कूलिंग करे, सपोज एक बच्चा छठी में दाखिला लेता है या पांचवी में दाखिला लेता है, और आप उसको धीरे धीरे बनाना सिखाते हैं एरो मॉडलिंग, दिस रोबोटिक्स और व्हाटएवर इट इज, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका इनोवेशन इतना अच्छा हो, इट मे क्लिक समटाइम्स एंड ही कैन आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट that child can send it to the market. आप help करते हैं उसको entrepreneurship में? कैसे help करते हैं? Basically sir, जब products हमारे सामने तैयार हो जाते हैं तो हम उनको different platform पे introduce करते हैं। अच्छा। जैसे for example incubation centers, so incubation center पे जब हम introduce कराते हैं वहाँ उनको ये पूरी गाइडलाइन दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको अपने इस प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसको आपको सेल आउट कैसे करना है, कम्प्लीट बिजनेस मॉडलिंग। सो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक बिजनेस बनाने के लिए तीन फेजेस होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि प्रॉब्लम क्या है, सेकंड आप उसको उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, देन उसको आप टेस्ट कैसे करते हैं, देन उसके बाद हमने उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। थर्ड फेज होता है कि जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके उतरते हैं और उससे कुछ ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं, नाउ योर कंपनी इज गोइंग टू बी स्टार्ट समथिंग अर्न। अच्छा, कोई इसका ओलंपियाड वगैरह भी करते हैं? या एग्जैक्टली, ये जितने भी हम चीज़ें सर सिखाते हैं इनका एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर, या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी के साथ हमें कनेक्ट करने के लिए बच्चों को हम डिफरेंट अलग अलग कॉम्पिटिशन में लेके जाते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने अपने से अपर लेवल के बच्चों के साथ या कॉलेज स्टूडेंट के साथ आइडिया शेयर करते हैं, और ये समझते हैं कि हम इसमें और क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बताएंगे इसका कोई ओलंपियाड कहीं आपने ऐसे बच्चे को लेके हुए कराया हो, कहाँ होता है? वैसे तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जितने भी IITs हैं सारे नेशनल लेवल के इसके कॉम्पिटिशन कराते हैं, जिनकी प्राइज मनी लाखों में जाती है। अगर हम इंडिया से बाहर की बात करें या दुबई की बात करें, ड्रोन ओलंपियाड होता है जो हर साल कंडक्ट किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, और उसमें हर साल जो है 18 एज से नीचे के बच्चे जीतते हैं, जिसकी जो प्राइज मनी होती है या आपको गिफ्ट, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये सारे आप यहाँ कराएंगे बच्चों को? या एग्जैक्टली सर, अच्छा स्टेप बाय स्टेप आप कराएंगे? हम CBSE में 7 सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन थिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप होती हैं। और इसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट जो हमारे तरफ से एड ऑन्स हैं वो है, पहला एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और एरो मॉडलिंग, जो CBSE ने अभी किया नहीं है लेकिन वो बहुत जल्दी They are going to implement. ये हम ऑलरेडी दे रहे हैं बच्चों को। You have to introduce
कि उड़ने वाली चीज़ें हवा में काम करने वाली चीज़ें काम कैसे करते हैं, बैलेंसिंग। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अजीत है, अजीत कुमार है, और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। कक्षा 9 के छात्र हैं, किस विद्यालय के स्टूडेंट हैं? सर, मैं जेपी विद्या मंदिर अनूपसह सिटी कैंपस में अपनी विद्या। तो आप ये जो आप ये सीख रहे हैं, इसको आपको क्या महसूस हो रहा है? सर, इसे बना के इसे एक टेक्नोलॉजी की तरफ हम अपना एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। सर, इसको क्यों करना चाह रहे हैं इसके लिए? सर, इसलिए हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है सर, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होने वाली है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सर, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? सर, हमारे प्रधानमंत्री जी आगे टेक्निकल चीज़ों पर फोकस करना चाह रहे हैं। जैसे और भी देश हैं, जापान, चाइना और भी अमेरिकन कंट्री, ये डे बाई डे न्यू जनरेशन, न्यू जो रिमोट कंट्रोल एंड और बहुत सारी न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब हम उनसे पीछे क्यों रहे हैं? हमारे पास भी उतनी चीज़ हैं, हमें सब चीज़ बना के और इसे हम भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे, हम भी अपना एक कदम बढ़ाएंगे। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज में? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी बढ़िए, आप भी किसी से कम नहीं है, और अपना खूब मेहनत करिए, और ये भी एक स्टडी का ही पार्ट है, इसे किसी और चीज़ में नहीं ले सकते हम इसे। हम जी सर, मैं अपने एक गांव में, हमारा रजपुरा में, वहाँ पे रहता हूँ। अभी बेसिकली मैं हॉस्टल में रह के यहाँ पे अपनी विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर हॉस्टल का भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर हम यहाँ पे स्टडी टाइम पे, स्कूल टाइम पे, अगर यहाँ पे हम काम नहीं कर पाते हैं, तो हम अपना ये, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ बेटा। यस सर। यदि इस विद्यालय में यदि ये लैब नहीं होती, यस सर, मनोज गौड़ी जी इस लैब को नहीं लेकर के आते, तो आपने अब से पहले क्या सोच रखा था अपने मन में कि मुझको ये करना है? सर, मैं पहले से भी, मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं घर पर भी ये काम करता था, लेकिन मुझे इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं मिल पा रही थी, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये कैसे करूं। हमारे यहाँ पे इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ पे मुझे अवसर मिला है यहाँ करने का। तो बेटा, आप इस विद्यालय के लिए, प्रधानाचार्य जी के लिए, और जो यहाँ लैब के जो इंचार्ज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें और हमारे जैसे जो सोच रहे हैं विद्यार्थियों को, उनको इतना अच्छा मौका देने के लिए, और वो अपनी ज़िंदगी में और भी अच्छे काम करें, और अपने खुद का एक बिजनेस टाइप में भी इसे ले जा सकते हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता, और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से। इस समय पर हमारी टीम जे बी एम जो विद्यालय है, और उसमें एक लैब जो बनी हुई है, उस लैब हमने अभी तक पूरे जनपद बुलंदशहर में किसी भी विद्यालय में नहीं देखी है। वो लैब, इनोवेशन लैब, लैब जो यहाँ पर अनुपसर में जो जेपी गौड़ साहब के जो लड़के हैं, मनोज गौड़ जी, लेकर के आए हैं। इस लैब से ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर इंजीनियर लाइन बच्चे स्वयं यहाँ पर सीख रहे हैं, कार बनाना सीख रहे हैं, और कई चीज़ ऐसी यहाँ पर बच्चे सीखेंगे, और कंपटीशन में बच्चे अपना भाग ले रहे हैं, और उसमें फर्स्ट डिवीज़न के हिसाब से लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं श्री संदीप कुमार शर्मा जी, तो उनसे चर्चा करते हैं इनोवेशन लैब के बारे में, वो क्या कहते हैं, और बच्चों के भविष्य में वो क्या उनका रुझान है, और मनोज गौड़ जी का जो रुझान है, वो यहाँ पर लैब को किस तरीके से लेकर के आए हैं, तो बातें करते हैं, जुड़े रहिए। तो सर, ये इनोवेशन लैब के बारे में बतलाइए, जो स्टूडेंटों को यहाँ पर आप उनके भविष्य के बारे में बतलाएं। अच्छा, नमस्कार। पहले तो मैं विद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ जी, और आप विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस विद्यालय में जहाँ आप खड़े हैं, ये लैब हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री मनोज गौड़ साहब की देन है, और वो अपने आप भी जितने विकसित हैं, जितने टेक्निकल स्ट्रांग हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे स्कूल का हर एक बच्चा कुछ ना कुछ नया करे, और इस समाज को कुछ ना कुछ नया दे। इस सोच के साथ उन्होंने साइंटिफिक इनोवेशन लैब यहाँ डेवलप की इस स्कूल में, और डेवलप ही नहीं की,
उन्होंने इसके साथ साथ ट्रेनर भी मुहैया कराए। GIT 62 यूनिवर्सिटी से हमारा एक जो ट्रेनर हैं, हमारे जो एक मेंटोर हैं, वो भी इन बच्चों को देखते हैं। और राहुल कुमार जो हमारे MSc फिजिक्स हैं, PGT फिजिक्स, वो इन बच्चों के साथ इस लैब में काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं तो बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ बच्चों ने वो करके भी दिखाया। बहुत थोड़े से समय में ये बच्चे, इन्होंने एक कार बनाई, मैं आपको बताता हूँ, और उस कार के लिए एक इस तरह का पाथ बनाया कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट हर्डल्स थे जी। इन बच्चों ने जो कार बनाई उसने वो पूरे हर्डल्स क्रॉस किए, और ये विद्यालय वहाँ उस कंपटीशन को जीत के इस विद्यालय के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगभग वहाँ 22-24 स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल नोएडा में आए हुए थे जी। और इतना ही नहीं, ये बच्चे यहाँ, इसका एक और फ़ायदा है कि मेरे पास लगभग 70 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। तो ये लैब उनके लिए 24 घंटे खुला है, ये नहीं कि खाली स्कूल समय में ही वो यहाँ काम करेंगे। विद्यालय के हॉस्टल के बच्चे या विद्यालय के बाहर के भी, अगर कोई भी आइडिया उनको यहाँ आता है, मेरे पास यहाँ टीचर मौजूद है, लैब खुला रहता है उनके लिए, वो आते हैं और यहाँ काम करते हैं। तो सर आप ये बताइए, इस लैब में कितने स्टूडेंट प्रतिभा कर रहे हैं? इस लैब में लगभग आप ये मानिए कि अभी हमने छठी से लेके और 12वीं तक के बच्चों को यहाँ लाना शुरू किया है, और छठी के बच्चे भी उतनी रुचि ले रहे हैं जितना के 12वीं के बच्चे। देखिए, सोचने के दायरे को आप सीमित नहीं कर सकते किसी के भी, बड़े बच्चे से ज़्यादा हो सकता है, छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा सोचे। और कई बार तो ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं कि हम आप छोटे बच्चों के आइडियाज़ को देख के दंग रह जाते हैं। वो बच्चे आते हैं, यहाँ काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे यहाँ आते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं, काम करते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। आपके यहाँ पर लैब की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? ये मेरे यहाँ, ये मानिए आपके अगस्त 2022 में ये स्थापना की गई इसकी। और इसके पीछे मैं फिर से एक बार पुनः धन्यवाद अदा करूँगा श्री मनोज गौड़ साहब का, जिन्होंने इस विजन के साथ ये लैब यहाँ, देखिए ये बहुत ही, अगर अभी भी कहें तो बड़ा रिमोट एरिया है यहाँ, और यहाँ ऐसी चीज़ें मुहैया कराना, शायद शहरों में भी आपको इस तरह की लैब देखने को नहीं मिलती। लेकिन जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, उसमें आपको कोई दो राय नहीं कि यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बस अगर काम है तो उनको तराशने का, और वो मेरे अध्यापक दिन रात बहुत कुशलता के साथ कर रहे हैं। मैं, आप यहाँ आए और मेरे बच्चों से बातें की, ये लैब देखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और आशा करता हूँ कि आप बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए आगे भी इसी तरह विद्यालय में आते रहेंगे। नमस्कार।